नमस्कार, किरण से रेसिपी में आपका स्वागत है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो आपसे लाइक करें और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज मैं बनाने जा रही हूँ मसाला पनीर। आइए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। एक चम्मच तेल, एक छोटा चम्मच कसूरी मेथी, एक छोटा चम्मच जीरा साबुत, लाल मिर्च पाउडर आधा छोटा चम्मच, धनिया पाउडर एक छोटा चम्मच, गरम मसाला आधा छोटा चम्मच, अदरक और लहसुन का पेस्ट एक छोटा चम्मच, हल्दी पाउडर आधा छोटा चम्मच, नमक स्वादानुसार, दो बड़े प्याज बारीक कटे हुए, दो टमाटर बारीक कटे हुए, या फिर आप टमाटर को मिक्सी कर लें, इस तरीके से प्यूरी तैयार कर लें, आधा किलो पनीर यानी कि 500 ग्राम पनीर। मसाला पनीर बनाने से पहले आप पनीर को छोटे छोटे क्यूब में काट लें, ऐसे इस तरीके से तैयार कर लें पनीर को। आइए अब हम मसाला पनीर बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने गैस में कढ़ाई रख दी है, गैस को ऑन कर दिया है, कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है। इसमें अब हमें तेल डाल देंगे, तेल को गरम कर लेंगे हम अच्छे से। तेल हमारा गरम हो चुका है, इसमें हम डालेंगे जीरा साबुत और जीरे को भी भून लेंगे। जीरा हमारा भून गया है, अब हम इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। और इसको भी भून लेंगे अच्छे से। गैस को हम सिम कर लेंगे, सिम पर हम अदरक और लहसुन के पेस्ट को अच्छे से भून लेंगे। अदरक और लहसुन का पेस्ट भून चुका है, अब हम इसमें डालेंगे प्याज। गैस को हम सिम कर देंगे और सिम पर हम प्याज को लगातार चलाते हुए तब तक भूनेंगे जब तक कि हल्का गोल्डन ब्राउन हो जाए। अब आप देख सकते हैं प्याज हमारा भुन गया है, प्याज का कलर चेंज हो गया, हल्का गोल्डन हो गया है। बहुत ज़्यादा हमें इसको नहीं भुनना है, प्याज को हल्का गोल्डन करना है बस। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर, आप चाहे तो टमाटर को बारीक काट लें या फिर इस तरीके से प्यूरी तैयार कर लें मिक्सी करके। और इसको मिक्स कर देंगे प्याज में अच्छे से। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और नमक। नमक आप स्वादानुसार डालें। इन सब मसालों को हम प्याज टमाटर में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और सिम पर हम इसको तब तक भून लेंगे जब तक मसाले तेल ना छोड़ दें। अब आप देख सकते हैं मसालों ने तेल छोड़ दिया है, मसाले हमारे भून गए। हिला लेंगे इसको हम एक बार और, हिला लें आप इसको अच्छे से। अब हम इसमें डालेंगे गरम मसाला। गरम मसाले को भी हम इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाले हमारे भून चुके हैं, इसमें हम डालेंगे पनीर। पनीर को आप क्यूब में काट लें ऐसे छोटे छोटे। और पनीर को भी मसाले में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स कर लें आप पनीर को मसालों में अच्छे से। पनीर हमारा मसाले में अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब हम इसमें ढक्कन लगा देंगे। ढक्कन लगा दें आप इसको और सिम पर आप इसको 2 मिनट तक और पकाएं ताकि जो हमारा मसाला है वो पनीर में अच्छे से मिक्स हो जाए और पनीर भी थोड़ा नरम हो जाए। 2 मिनट हो गए हैं, ढक्कन को हटाकर देख लेंगे हम। हिला लेंगे इसको एक बार और अच्छे से, मिक्स कर लें अच्छे से इनको। आप देख सकते हैं मसाला पनीर में मिक्स हो गया है, पनीर भी हमारा नरम हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को भी मिला लेंगे इसमें। मसाला पनीर बनकर तैयार है, गैस को अब हम बंद कर देंगे और इसको किसी बाउल या प्लेट में निकाल लेंगे। एक प्लेट ले लें आप, प्लेट में निकाल लें आप इसे।
ऐसे अभी मसाला पनीर को एक प्लेट में निकाल लें। गर्मा गर्म मसाला पनीर बनकर तैयार है, आप भी इसको ज़रूर बनाएं। ये बनाने में बहुत आसान होता है और खाने में स्वादिष्ट भी है, ख़ासतौर पे बच्चों को बहुत पसंद है। आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी इसको रख सकते हैं। आप चाहें तो इसे पराठे या रोटी या नान के साथ भी खा सकते हैं। और अधिक रेसिपी जानने के लिए आप हमारे चैनल से भी जुड़ सकते हैं। आप अपना अनुभव किरण से रेसिपी पर शेयर करना ना भूलें।